एभ्रीवान, वेलकम ब्याक। फेरि पनि स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ भ्लगमा। म अजय गुरुङ तपाईँ सबैजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु। सो आज चाहिँ हामी कफेरको अब बाटोमा हो आइपुगेको छौँ अहिले। अन्त यतातिर चाहिँ मजाले बाटो पनि बनिसकेको रहेछ। सो यहाँबाट अब निकै माथिसम्म जाने होइन हामी। अन्त अहिले चाहिँ हामी कफेरको जङ्गलमा छौँ। एकदमै मजाले फगी लागिरहेको छ वरिपरि। सो हामी राइड गरेर निकै माथि आइपुगेको छौँ होइन। अन्त यहाँदेखि अगाडि अझै निकै माथिसम्म गएर हाम्रो अलिकति काम छ। त्यो काम चाहिँ अब स्पेसल काम के छ भन्दा चाहिँ अहिले देखाउँछु तपाईँहरूलाई होइन। किप वाचिङ। अन्त च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। सो अहिलेको मौसम चाहिँ एकदमै फगी लागेको अवस्था छ यहाँतिर चाहिँ हो। दामीसँगले यहाँको भ्यू पनि एकदमै रमाइलो देखिरहेको छ हो। सो यहाँबाट चाहिँ हामी अब निकै उँभोसम्म जाने। अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर डाँडामा एकछिन रोकेर चाहिँ ज्याकेटहरू लगाइसक्यौँ हो। सो अब हामी यहाँबाट हिँड्दैछौँ। आज अब दिन यस्तो छ नभने यहाँबाट कालिम्पोङ पनि देख्छ पारि। यहाँबाट अघि बढौँ फेरि। अब वक गर्दै गर्दै हल्का घाम पनि निस्किँदैछ हो। यहाँनिर आइपुग्दा चाहिँ अब जाडो निकै हुन्छ किनकि यो सबै अब लेक पर्छ नि त, सबै लाभाको भेग हो। त्यही भएर चाहिँ अब जाडो निकै हुन्छ। जाडो महिनामा अझै बेसी जाडो हुन्छ। तर अहिले त अब समर सिजन हो र पनि यहाँनिर अब जाडै छ। वरिपरि एकदम बेसी फगी लागेको छ। चाहिँ अब यहाँतिर एकदमै बेसी हिलो थियो हो। हिँड्नु एकदमै ट्रिकी थियो क्या बाटो। तर अहिले चाहिँ अब रमाइलो देख्नु भइसकेको रहेछ। कम्प्लिटली अब बन्दी त सकेको छैन। जग्गा जग्गा त अब यस्तो छ बाटो हो। यहाँनिर फेरि यस्तो भयो। यहाँ ब्रिज बनिँदो रहेछ है। कता जाने? यहाँबाट सिधै उँदो गयो भने कफेर पुग्छ हो। उतासम्म गएर आउँ त्यहाँदेखि जाउँ। यताबाट जाउँ न अन्त अहिले। कफेर आउँदा चाहिँ यस्तो हुन्छ है, फगी लागेर पुरा ट्याम्मै दार्जिलिङ जस्तै हुन्छ। कतै नदेख्ने लागेको छ फगी अन्त। हामी अब यो बाटो भएर मेन जुन चाहिँ एउटा घुम्ने ठाउँ, एउटा राम्रो लोकेसन जानु सक्ने भनेको चाहिँ नौल डाँडा हो। त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो एउटा झिल छ होइन, आर्टिफिसियल झिल। अनि यो बाटो गएर नौल डाँडा पुगेर चाहिँ त्यो झिललाई हेरेर त्यहाँ रमाइलो गरेर बोटिङ गरेर हो आउनु सकिन्छ। गाडी उँदो त पुरा अप्ठ्यारो छ त्यो नि, हेर्नु उँदो नजाने हामी। गाडी नि उँदो चाहिँ बाटो अप्ठ्यारो छ कि नजाने अब यहाँबाट फर्क्यौँ हो। एकदमै त्यस्तो फर्किरहेको छ। अब अलिक माथि गएर चाहिँ हामी पुरानो रोड पस्नुपर्छ। यहाँबाट छिर्ने पो छ। तो ये रास्ता होके जाना पडेगा। ये एकदम पुराना रास्ता है। गाडी भी नहीं चलता है। पुरा सनराइज पोइन्ट पनि छ। त्यो पहिला मैले पहिलाको भ्लगमा पनि देखाएको छु। त्यहाँसम्म पुगेर त्यहाँदेखि उँधो बाटो अब कस्तो छ। गाडी चल्ने बन्द हो कि होइन, त्यसले यो सब रास्ता एकदम खराब हो। त्यो सनराइज पोइन्ट है काम चलिरहेको छ। ओहो भैया जाँदा पाउँछ?
सनराइज पोइन्ट यहाँ माथि हो लोकेसन त है हेभी छ नि बाटो चाहिँ निकै भित्किएछ है पहिला निकै मजाको थियो हो उत्रो उत्रो यहाँ पर मिलेगा माल मिलेगा माल के हो त्यो ओ माई गड ऐसिलो रहेछ ऐसिलो ये जो दिख रहा है ना ये पेड़ इसको ऐसिलो बोलता है हम लोग और ये खाने अच्छा होता है ओ माई गॉड दिस इज ऐसिलो दिस इज कॉल ऐसिलो एकदम संभल संभल के इसको प्लग करना पड़ता है क्योंकि पूरा ये कांटे वाला होता है ना इसी वजह से बहुत सारा है अंदर अंदर लेकिन वहाँ पर पहुँचने के लिए मुश्किल हो जाएगा हाँ यहाँ से भी लग कर सकते हैं दामी रहेछ त ऐँसिलो त कत्रो कत्रो ऐँसिलो रहेछ नि यो खालको त मैले आजै देखेको यस्तै सेम बोट यस्तै हुन्छ पुरा रहेछ यहाँतिर ऐँसिलो ये एकदम गंदी बात है बोतल वोतल दे के छोड़ देता है यहाँ पर ये तो होता अंत यो जंगल में पाने हो ये धीरे भाई यस्तो दामी हेर कस्तो मजाको कलर नि हेर न यहाँ भमरा कस्तो मजाले फुल खाइरहेको छ गुल्ले गुल्ले भए त दामी हुन्थ्यो नि पक्रा गरी सो अहिले चाहिँ हामी जङ्गलमा आइपुगेको छ यहाँ वरिपरि पुरा जङ्गल छ हो सानो बाटो छ होइन अन्त यहाँनिर हामीले सिस्नु पनि टेप्यौँ यहाँनिर के अरे ऐसिलो पनि टेप्यौँ अलिअलि खायौँ पनि होइन नि त्यो अर्को अस्ति लाभामा टेपेको थियो नि हामीले त्यो त गुल्ले हुन्छ त्यो दामी हुन्छ अझै नि ल अब यहाँबाट अझै अगाडि जानुपर्छ है यता अगाडि दोस्तो हम लोग इसको बोलते हैं सिस्नु और इसको घर में ले जाना पड़ेगा उसके बाद बना के खाएगा इसको दाल अच्छा तरह से ढेड़ो से खाना पड़ेगा ढेड़ो के साथ खाना पड़ेगा आज हम लोग ने शॉर्ट राइड भी किया उसके बाद इसी चीज़ को लेने के लिए आया था यहाँ पर आगे तो जाने नहीं सका क्योंकि बहुत कीचड़ था ना इसीलिए ये थोड़ा अच्छा वाला है बहुत सारा लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये जब इसको पकाएगा ना बनाने के बाद ये एकदम कम हो जाएगा ना तो दाल बना के खाना पड़ेगा आराम आराम से जाएगा देखते देखते इतना ज़्यादा नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना वहीं पर रुकेगा आदमी लोग आता है लेने के लिए हाँ
रास्ता भी अच्छा ही है यहाँ पर। जानु छ पहाडैमा कुहिरोको बाटो, तिमीलाई साथ लिएर। ठुलो गाडी हिँडेर पो यस्तो भएको होला खास गरी, अन्त यो रोड दामी हुन्थ्यो नि। जग्गा जग्गा त यसो होला, ए कङ्क्रिट मिलाके बनाइदिए न रास्ता। ए यो अयुक्सको रहेछ हौ, अल्ला कत्र पुऱ्याउने गाडी। त्यो रहेछ त्यो पहिले त प्लग गर्न पडेको, क्योकि डङ्क मार्दैन त बहुत खुजले हो त खै। यसको फुल चाहिँ झन् दामी हुन्छ नि, फुल चाहिँ स्याटिस लाग्छ। अहिले पछाडि फुल्छ सरे त अगाडि। होइन अझै अगाडि, आम्मा के दामी भएको नि। यहाँदेखि मुनि चाहिँ अब चारखोल भन्ने गाउँ छ होइन, एकदमै ठुलो गाउँ छ। त्यो गाउँ पनि मजाको छ, रमाइलो छ। त्यही गाउँ जाने बाटो हो यो चाहिँ कि, पहिले चाहिँ अब दामी थियो, अहिले पुरा भत्किएको रहेछ। देखौ यो क्या है, त्यो सानो हो, सानो झन् दामी कलिलो हुँदैन के हो। जोग 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 आछे, जोग के आछे, भालु आछे, एकदम भालुवा छ। साह्रो छिप्पिएको रहेछ यो, हो हो गाडी हुँदैछ हो। ए त्यहाँनिर माटो थाक पारेको कारण यो रहेछ नि त नि, त्यहाँ रोड बनाउँदो रहेछ नि त। त्यो अघि क्या त फर्स्टमा माटो थाक बनाएको थियो नि। इसको घुसेड़ ना पड़ेगा ना इसको करती। अलग हम निके तल आईपुगम, सीस्नु पनि निके भइसक्यो हैन, झोला में निके भरिसक्यो। सो अब यहाँ देखि अलग तल गए हमें चारकोल को बाटो भेट्छ हैन, त्यो बाटो भएर फिर हम घर तीर जाने। सो अहिले हम यहाँ वाई वाई खाँदैछौं। वाइवाई खाँदैछौँ अहिले हो, वाइवाई खाइसकेर चाहिँ जानुपर्छ। यहाँतिर त पुरा फगी लागिरहेको छ, तलतिर पानी आउनु सक्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले छिटो छिटो गर्दैछौँ। सिस्नु मात्रै पाएँ, अरू त केही नै पाएन हो। च्याउ पाएको भए चाहिँ अझै दामी हुन्थ्यो, तर अब यो खाइसकेर हामी फेरि उँधो जाने। अब तल रोडमा पुगेर चाहिँ भेट्नुपर्छ है। यहाँबाट चाहिँ देख्छ चारखोल, यो जो दिख रहा है ना, यो जग्गाको नाम चारखोल बोल्दा है। एकदम खुबसुरत जग्गा है यहाँ, उसको उधर में बहुत सारा होमस्टे है। गुम्बा उतै हो नि, पुरानो गुम्बा पनि छ हाम्रो, गुरुङ गुम्बा होइन, इन्डियामा एकदमै सबैभन्दा पुरानो अनि फर्स्ट गुरुङ गुम्बा, जो चाहिँ आर्य सागरले पनि त्यो गुम्बाको चाहिँ भ्लग बनाएको छ होइन। पोज्नेवाला है जो मेन रोड, उसी रोड हो गए थे हम लोग घर के तरफ निकलेंगे। हजुर बाइक तो छिर्स, हज 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 हो, धन्यवाद। लो अभी अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जो मेन हाइवेमा। यो के को फुल हो, कालिम्पोङ जानेवाला रास्ता बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रास्ता है। और इधर उधर एकदम घना जंगल, बीच में रोड,
और ये चिड़िया का आवाज़ बहुत मज़ा आता है यहाँ पर राइड कर। बहुत सारा भाई लोग बोल रहा था ना हिंदी में ब्लॉग बनाओ भाई, तो मैंने आज बनाने शुरू कर दिया आज से हिंदी में। यहाँ से ये रोड होके हम लोग गया था ऊपर, अभी यहाँ पर हम लोग पहुँच चुका है फाटक में, तो अब घर के लिए निकलेंगे। यहाँ पर से निस्क्यू आप बात और का चिप्लो सब दबा लगा हो। खतरनाक रास्ता ये एकदम खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पर। वाला कटिंग किया बहुत सारा, लेकिन ये बच्चा यहाँ पर रो रहा है। ऐसे तो नहीं करना चाहिए माँ बाप को। जो मीना पर ल ऊपर बोलाउँदै छ दादाले, ऊपर पो छ त दादा साइकल खेल्दैछ है, यता उपायर छ नि त चेप्टाउँछ ल न पहिरो छ नि त यहाँ। बहुत सारा ल्यान्डस्लाइड हो चुका है ना, इसीलिए ऊपर से पत्थर आके गिर गया। तो उस बच्चे को हमने घर भेज दिया है हम लोग ने, तो अभी हम लोग पहुँच गया है सौरेनी व्यू पॉइंट। यहाँ से हम लोग का गांव एकदम बढ़िया देखेगा, एकदम ब्यूटीफुल देखेगा। यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखाएगा। अभी हम दोनों पहुंच चुके हैं सौरेनी व्यू पॉइंट, और यहाँ से मेरा गांव एकदम बहुत अच्छा तरह से दिखता है। सो देखते रहना गाइस।